Hi Harsh. How are you doing, Anubha? Very well. How are you? I'm good. Nice. So चलते-चलते हम बात करेंगे इमोशन की. And सबसे पहले you know मैं बात करना चाहूँगा जो relationships हमें देखने को मिलते हैं अपने daily lifestyle में. काफी लोगों के relationships अच्छे होते हैं, लेकिन काफी लोगों के relationships में दरार होते हैं. बिल्कुल. I would like to talk about toxic relationships where people are facing a lot of problems in their daily lives. क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और क्या समझ सकते हैं हम इससे? एक सिंपल सी चीज़ मैं लोगों को बोलती हूँ कि एनी रिलेशनशिप, कोई भी आपका रिलेशनशिप, रोमांटिक हो, पर्सनल हो, सोशल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपको हेल्प ना करे ग्रो करने में और आपको पीछे खींच रहा है, बी इट उनके वर्ड्स से, एक्शन से, या कोई अब्यूज़ करने की वजह से, इज़ टॉक्सिक. इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू ग्रो, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर सपोज टू ग्रो. और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप बस वही चिक चिक में फंसे हुए, अरे अगर मैं लेट हो गया तो फिर क्या होगा, अरे मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या होगा, आप यू आर वॉकिंग ऑन एक्शंस, यू आर नॉट श्योर कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, कितना चलेगा, क्या चल रहा है आपके दिमाग में. एंड जेंडर कैन बी एनीबडी कैन बी टॉक्सिक फॉर यू. ऐसा नहीं कि मर्द ही होंगे, औरतें ही होंगे, या गेज ही होंगे, लेस्बियन, नो, एनीबडी कैन बी टॉक्सिक फॉर यू. सो एनी रिलेशनशिप विच डज नॉट अलाउ यू टू ग्रो, it's called a toxic relationship. So aapko kya kya issues normally dekhne ko milte hain, you know, jab couples aapke paas aate hain, baat karte hain apne problems ke bare mein. Now jo hum zyada tar dekhte hain, insecurity. हम इनसिक्योरिटी इश्यूज बहुत देखते हैं. ये किसी भी जेंडर में हो सकता है. और जैसे मैंने बोला कि इसमें इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि दे कीप ऑन चेकिंग ऑन द पर्सन. आपने किसी से बात कर ली तो क्यों बात की, आपने किसी से बात नहीं की तो क्यों नहीं की, आपने मुझे बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया टाइम से, आपकी पर्सनल चीज़ों में डिग इन करना, आपके पासवर्ड्स, आपका लाइक फ़ोन चेक करना, आपके मैसेजेस देखना, यू नो दिस ट्रस्ट इशूज़. बट द ट्रस्ट इशूज़ डू कम फ्रॉम इनसिक्योरिटी. समवेयर यू हैव इनसिक्योरिटी अबाउट योर सेल्फ, दैट इज़ द रीज़न यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन द अदर पर्सन. तो ये हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर इश्यूज़ देखते हैं हम कपल्स में. एट द सेम टाइम हम फिनेंसिस को लेकर भी काफ़ी इंस्टेबिलिटी देखते हैं. यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर फिनेंसिस, एंड देन इट गेट्स टुगेदर, क्लब हो जाता है. फिर आपका पीपल प्लीजिंग आपको अलाउ नहीं करता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से हैंडल करें. आप तब तो हाँ 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 कर रहे हैं, बट रिजेंटमेंट बहुत बिल्ड हो रहा है, एंड देन इट बिकम्स अ बिग ब्लास्ट. तो फिनेंसिस को देखकर और ट्रस्ट इश्यूज को देखकर, ये दो चीज़ें हैं. और तीसरा चीज़ जो हम इंडियन कल्चर में देखते हैं वो है फैमिली प्रॉब्लम्स. तुम्हारी मम्मी ने ये बोला और तुम्हारे पापा ने ये बोला कम्स अ लॉट. तो आई गेस दैट इज ऑल्सो समथिंग टू लुक इन टू ऑन अ लार्जर लेवल, वेयर वी आर एनकरेजिंग पीपल टू बी इंडिपेंडेंट, वी आर एनकरेजिंग पीपल टू बी मोर कॉन्शियस. तो वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आई एंड्स एंड यू बिगिन. ये आई एंड्स एंड यू बिगिन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड इट. हमें लगता नहीं, सब मिल जाता है जब आप एक कपल बनते हैं, जब आप एक पार्टनरशिप में आते हैं सब, बट ऐसा नहीं. इंडिविजुअलिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये एक्सेप्ट करना कि आई माइट लव माई पेरेंट्स बट माई पार्टनर माइट नॉट, एंड इट इज़ ओके. बट आई गेस दैट इज थर्ड इशू वी कम अक्रॉस. क्योंकि हमारी बातचीत की जो दिशा है वो हमें इस तरफ ले जा रही है और इस तरफ रखे हैं कुछ यहाँ पे कुछ सवाल है. लेट्स सी कि क्या क्या सवाल आए हैं लोगों के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर. अच्छा, सारे लेने हैं. बीइंग डिपेंडेंट ऑन पढ़ के बताओ. बीइंग डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल डिफरेंसेस समटाइम्स लीड्स टू अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. से आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द इश्यूज पीपल कम टू अस. फिनेंसेस जब हमें संभालने नहीं आते, एंड इट बिगिंस फ्रॉम जब हम छोटे होते हैं कि हमें पैसे दिए जाते हैं बट हमें मैनेज करना नहीं सिखाते. आई नो हम इस पीपल प्लीजिंग में आ जाते हैं, या हमें आता नहीं है कि कैसे इसको बैलेंस करें, बाउंड्री सेट करना नहीं आता. तो जब आप बड़े हो जाते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि हम इक्वालिटी में रहें, बट समवेयर यू आर अ मैन, ओके यू नीड टू डू इट, यू शुड डू इट, और द गर्ल इज लाइक ओके आई वॉन्ट टू बी टू इंडिपेंडेंट, यू नो वो सब, बट क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है दोनों में. तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है कहीं ना कहीं पर. और सबके अपने अपने यू नो चॉइसेस होती है जब हम फिनेंसिस को देखते हैं. मे बी सम पीपल आर ओके कि मुझे अपना
आधा पार्ट करना है. सम पीपल आर नो आई वांट माय पार्टनर टू टेक केयर ऑफ मी बट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दीज नीड्स एंड आई टेल पीपल देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ यू आर समबडी जहाँ आपके लिए ज़रूरी है आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा पैसे कमाए उनको बता दीजिए. अगर आपके लिए ज़रूरी और अ पर्सन आपका प्रायोरिटी प्रेफरेंस है कि आपका पार्टनर आपके बराबर हो उनको बता दीजिए. बट ये जो फिनेंशियल अब्यूज़ चलता है ना रिलेशनशिप में और हम इंडियन कल्चर में बहुत देखते हैं कि मैन हैव दिस पावर देन दे ट्राई टू बिकॉज एज अ वूमन यू आर नॉट टॉट हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस चाहे आपकी पॉलिसी हो चाहे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे आपका सैलरी हो वो सारा आपका पार्टनर मैनेज करता है तो कंट्रोल भी उनके पास जाता है. उसकी वजह से काफ़ी लोग एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रहते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो फाइनेंस इज अ वेरी बिग पार्ट. यस ये तो अपना दूसरा सवाल. Sometimes being over possessive makes a relationship toxic. How to get this sorted? Absolutely. I guess, you know, and that is what I said, insecurity. Insecurity जब आती है तो हम चीज़ों को control करने लगते हैं. अब adult life में हम कैसे control करेंगे? किसी को physically पकड़ के तो बैठेंगे नहीं. तो हम उनको बोलते हैं तुम्हारी दोस्त कौन है, तुम्हारे phone में क्या है, मुझे अपने emails दिखा दो, तुमने उससे बात क्यों करी. So वो over possessiveness आता है. But कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्मों ने इसको इतना glorify किया है. You know, people are like, wow, my boyfriend or my partner or my girlfriend is possessive, they love me. But it is not a sign of love, it is a sign of insecurity. So, jahan par aapko lage, you should take a step back and tell the other person, listen, I really love you and care for you, but this is not something I'm signing up for. Aapki apni individuality honi chahiye, meri apni individuality, aisa hona chahiye, I am I, you are you, and then we are we. It should not be, no, you and I are we. It is like I am I, you are you, and then we are we, and that makes it beautiful. आप अपने दोस्तों के साथ जाओ, hang out करो, वापस आ जाओ, and I will have different stories to share. But आप सोचो आप अगर एक ही person से सब कुछ निकालने की कोशिश करोगे, कितना निकालोगे एक person से? फिर कितनी बातें करोगे, क्या share करोगे, क्या grow करोगे? Man is called a social animal for a reason, because we need that social setting. So yeah, it's very important for us to become independent. When we talk about being possessive with each other, how much do you think ki kitna, like I'll give you my example. Like for example, mere sath kya hota hai ki, like I prefer not to ask that much because it becomes like ladya bothering, you know, jab baat aati hai tab poochne ki. So should I ask or should I not? Agar dekha jaye to I guess healthy तरीका होना, हाँ हेल्दी तरीका होना चाहिए. इफ़ इट इज़ लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ माई पार्टनर नोज लाइक वी हैव इट्स संडे एंड आई वॉन्ट टू गो आउट एंड आई हैड प्लान्स विद हिम सो आई शुड बी यू नो टेलिंग हिम दैट हे लिसन आई एम गोइंग समवेयर एंड दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस वेयर आर यू गोइंग वी हैड प्लान्स. वो ईजी है, वो हेल्दी है. बट अगर ऐसा है कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब तक आओगी, फ़ोन दिखाओ, कहाँ पर जा रही हो, मुझे क्यों नहीं लेके जा रही हो, आई गेस दैट इज़ अ लॉट of interference and it has got nothing to do with the western culture. Kafi log soch rahe hain ki hum west ki taraf ja rahe hain but it is what ki hame ye accept karna padega ki hame apni apni zindagi honi chahiye and har koi insaan alag hota hai. Jaise I'm somebody who comes forth with information on her own. Mere ko puchne ki zarurat hai, main ghar aaungi, main bataungi maine ye kya tha ho gaya to mere se poocho mat. But if I have a partner they need to be asked then they should tell me that I wanted to ask me how was my day. Because मुझे भी दिमाग में मुझे कहता है मैं तो अपना बता देती हूँ, ये भी बता देगा. तो जब वो वैसा नहीं करते तो लड़ाई हो जाती है. Then comes a point, you don't care about me. So I ask my partner, I'm like, you have to tell me. You want me to ask you, I'll ask you. You don't want me to ask you, then tell me. Don't hide the information, tell me. So I guess yeah, that's how it should be. What do you do now? I think I'll keep it the way it is, but थोड़ा at least I'll be. थोड़ा सा. We need to show interest. Like there should definitely be transparency in, you know, what you're thinking or yeah. what's going on, right? Absolutely. Achha, tell me one thing. How much transparency should be there? Should there be like complete transparency? Because क्या होता है कि when people speak their thoughts out, sometimes it tends to hurt people, you know, emotions. I guess there is nothing ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत transparent होना चाहिए. लेकिन we need to have an acceptance कि आपकी जिंदगी है, आपके दोस्तों के साथ आप चार बातें कर सकते हो, जिसका मेरा पार्टी नहीं है तो why should I know it? You know, why should I try to know it? And I am this believer. I know I'm a therapist, not supposed to tell this to the world. But I'm a believer कि ना सच बोलो ना झूठ बोलो, बोलो ही मत. पूछे तो सच बोल दो, नहीं पूछे तो मत बोलो. क्या जरूरत है हर चीज चक 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 करने की?
और क्या जरूरत है मुझे हर चीज जानने की, अपने दिमाग को इतना क्लटर्ड क्यों कर रहे हो जो इन्फॉर्मेशन मेरे काम का नहीं है. व्हाई शुड आई गेट टू नो दैट इफ इट इज ऑफ माय यूज, आई शुड शो इंटरेस्ट, आई शुड आस्क. बट इतना ज़्यादा डिग इन क्यों करना है किसी की लाइफ में, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट पास्ट. जिस तरीके से आप जिंदगी को देखेंगे शायद मैं नहीं देखूंगी. इट वॉज लाइक व्हेन आई वॉज यंगर इन माई ट्वेंटीज एंड आई वॉज विद दिस गाय एंड आई सॉ ऑन हिज फोन ही हैड रिटन, समबडी हैड रिटन टू हिम आई लव यू एंड ही सेड आई लव यू टू एंड वी हैड अ बिग फाइट. हाउ कुड यू से दिस दैट ब्लाह ब्लाह. ही इज लाइक अरे शी जस्ट अ कॉलेज फ्रेंड, वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन, हो गया. बट नहीं, मैंने तो एकदम भवाल मचा दिया. एंड फ्यू इयर्स लेटर ऐसा हुआ कि आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड हु इज एन ओल्ड फ्रेंड एंड वी वर जस्ट हैविंग एन, आई सेड ए स्क्विजी हग्स, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू. And it just you know struck. I was like, shit, this is what he was doing. I don't have that something. So, वही इंसान जानता है वो conversation किस regarding था जो वो कर रहा था. आप तो अपने perception से देखेंगे ना. तो I guess we should learn from these things. And अगर हमें ऐसा लगता है my partner is doing something, we should ask, have a communication, ask them directly rather than keeping it in my mind and then indirectly aana. Wo bahut toxic ho jata hai jab hum sarcastic ho jate hain, taunt karte hain, silent treatments dete hain. Wo that becomes very toxic. Yes, lete apna agla sawal. Okay, kya bolte chat jaise aap sawal le rahe ho. How to sustain a relationship after its honeymoon period? मैं दिमाग में पता यही चल रहा था अबाउट द हनीमून फेज, बिकॉज़ क्या होता है हनीमून फेज आर रियली वेरी नाइस, उसके बाद फिर जो होता है वो पीपल स्टार्ट यू नो लोग के असली रूप दिखने लग जाते हैं ना. आई गेस यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन ऑथेंटिसिटी फ्रॉम डे वन. इतना ज्यादा ना करें कि जो आप बाद में मेंटेन ना कर सके. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस द रिलेशनशिप्स फॉल अपार्ट. मैरिजेस में लोग हमारे पास आते हैं काउंसलिंग में और यही चीज़ बोलते हैं कि यू नो पहले तो ये करते थे एंड आई आस्क्ड देम कि अब नहीं करते हैं. नहीं, अब उनके पास शायद टाइम नहीं होगा. नहीं, अभी भी टाइम है, संडे तो वैसा ही बड़ा हुआ, बट कोई जेस्चर नहीं, कोई कुछ नहीं. आई गेस यू नीड टू बी ऑथेंटिक एंड देर इज समथिंग कॉल्ड लव लैंग्वेजेस. वी ऑल शुड लर्न लव लैंग्वेजेस रादर देन लव बॉम्बिंग पीपल. उनका लव लैंग्वेज क्या है.